नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि माधुरी। प्रथमे हेडलाइंस। आज प्रधानमंत्री ओडिशा गस्त आकाशमार्ग अनुध्यान करेंगे बात्या प्रभावित अंचल साइक्लोन क्षयति नहीं करने आकलन। प्रथमे भुवनेश्वर मोदी समीक्षा बैठक ओडिशा परे पश्चिमबंग गस्त कार्यक्रम। बात्या परे एबे बन्या स्थिति विपद संकेत उपरे बैतरणी नैकुलियां बढ़ुछि दुख। भद्रक प्रभावित हेबे चारि ब्लक अस्थिति गाँ। सेपटे केन्दुझर और जाजपुर लगाण वर्षा विभिन्न अंचल जलमग्न। बात्या चलीगला देगला दुख जीवन जीविका संघर्ष बंचार आशा उजुड़ी जाइए सबकि संकट भितर मत्स्यजीवी परिवार। पारादीप संठकुद बस्ती में अर्गस टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग। राज्य में 24 घंटे 7216 कोरोना आक्रांत चिन्हट क्वारंटाइन 4041 3175 लोकाल केस कटक सर्वाधिक 1091 पॉजिटिव पुणि 33 मुंडन है महामारी। आज 43वां जीएसटी परिषद बैठक निर्मला सीतारमण अध्यक्षता में मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सामिल होते विभिन्न राज्यर अर्थमंत्री वरिष्ठ अधिकारी। जीएसटी रिटर्निंग फाइल सरलीकरण नहीं होपार आलोचना। सागर मर्डर केस रे अटुआरे ओलंपियन रेसलर हॉकी स्टिक रे सुशील कुमार माड़ मारुथिबा वीडियो वायरल। घटना दिन जने सहयोगी रेकर्डिंग करथिबा सूचना। गैंगस्टर को सह लिंक रे भी खोलताड़ करुछे पुलिस। आज संपूर्ण खबर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिमबंग गस्त आकाशमार्ग बात्या प्रभावित अंचल अनुध्यान करेंगे प्रधानमंत्री। साइक्लोन परवर्ती क्षयति नहीं आकलन करेंगे। प्रथमे प्रधानमंत्री भुवनेश्वर अवतरण कर एक समीक्षा बैठक करेंगे। तापर से आकाशमार्ग में बालेश्वर भद्रक पूर्व मेदिनीपुर बात्या प्रभावित अंचलगुड़िक बुली देखिए। बात्या प्रभावित अंचल बुलवा से पश्चिमबंग समीक्षा बैठक में अंशग्रहण करेंगे बोली सूचना मिली। प्रधानमंत्री केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गस्त करने सूचना रही। शुक्रवार ओडिशा और पश्चिमबंग गस्त पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यस्र क्षयति नहीं समीक्षा करते बात्या प्रभावित अंचल में किभली शीघ्र साधारण जीवन जापन स्वाभाविक होब से नहीं त्वरित काम करने प्रधानमंत्री। ओडिशा और पश्चिमबंग एनडीआरएफर 106 टीम मुतयन पुनरुद्धार काम लगी प्रधानमंत्री। समीक्षा बैठक में केन्द्र सरकार वरिष्ठ अधिकारी सामिल थे। आछ समय पर पहुंचे ओडिशा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात्या स्थितर मुकाबला अर्थात पुनरुद्धार करने कथा कहपटे समीक्षा बैठक रही। आछ समय पर पहुंचा पर प्रथम समीक्षा बैठक भुवनेश्वर रही परवर्त कार्यक्रम रही बालेश्वर भद्रक ए सबू बात्या अंचल परिधान करेंगे और तापरवर्त समय केन्द्र सरकार सहित केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रहिबे एवं वरिष्ठ अधिकारी सामिल होबार जहाँ सूचना आसी पहुंचुछि। तबे बात्या प्रभावित अंचल में किभली शीघ्र साधारण जीवन यात्रा स्वाभाविक होब से नहीं विशेष भाव त्वरित काम करने प्रधानमंत्री। इन अधिक सूचना आम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र जोड़े रही। प्रदीप्त आउ किसी समय अपेक्षा आ किसी समय पर ओडिशा आसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सब प्रस्तुति रही। निश्चित भाव में माधुरी आपन जो कथा कहले बात्या यश्रे जो सब क्षयति घटी एवं वर्तमान बात्या प्रभावित अंचल रे लोक माने केउ भली स्थिति रे अछंती एवं सेठारे वर्तमान केउ केउ अंचल रे पानी पसिकी रहिछि केउठी क्षयति घर भांगी केउठी गच्छ भांगी सब तमाम प्रसंग उपरे आज निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर आसुछंती एठी समीक्षा मध्य करिवे। निजे समीक्षा बैठक रे मुख्यमंत्री मध्य उपस्थित रहिबे एवं ता सहित अन्यान्य उच्चपदस्थ अधिकारी माने रहिबे जमती कि आमे कहि परिबा मुख्य शासन सचिव कथा कहि परिबा स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर कथा कहि परिबा से माने मध्य उपस्थित रहिबे एवं तमाम प्रसंग विषय आलोचना हबो जे किपरि भाबे भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा एवं ता सहित मयूरभंज जिला एई पाखा एई जिला गुडी को जेहेतु अधिक प्रभावित होईछि एवं एई जिला गुडी कर अधिक क्षयक्षति मध्य होईछि से नै प्रधानमंत्री निकट रे से माने पुंखानुपुंख भाबे रिपोर्ट मध्य प्रदान करिबे आलोचना करिबे एवं प्रधानमंत्री एठी पहुंचबा परे समीक्षा बैठक रे जब जोग देबे शेड्यूल कथा जी आम देखा नजर पकाइबा प्रधानमंत्री को शेड्यूल उपरे तबे प्रधानमंत्री 8:50 दिल्ली
एयरपोर्ट रु बाहरी सारी स्वतंत्र विमान जो रही इंडियन एयरफोर्स बीवीजे एयरक्राफ्ट माध्यम से बाहरी सारी जहाँ शेड्यूल रही 10:50 भुवनेश्वर एयरपोर्ट में पहुँचे और सीधासलख 11 बेले जो समीक्षा बैठक पर जो भेन्यू रही एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल से समीक्षा बैठक में जोगदे बैठक 11:00 to 12:05 पर्यंत चलो अर्थात 11:00 to 12:05 अर्थात पखापाखी घंटाटे प्रधानमंत्री संपूर्ण भाव समीक्षा करेंगे और समीक्षा पर हे तो कते क्षय क्षति होती जो से नहीं कौन जो क्षतिपूरण व सहायता जो रही कारण आम पूर्व देखी अम्फान हो फनी हो जब प्रधानमंत्री दायित्व ने 2014 पर ठार जिते जो बात्या बा विपर्य ओडिशा रे घटी सब विपर्यपाई सब बेले केन्द्र सरकार सामना को आसी थांती एवं सहायतार हाथ बढ़ई थांती एवं आगुआ मध्य सहायतार घोषणा करथांती जमती आम देखिपा जे मे मास प्रथम सप्ताह केन्द्र सरकार जमती 641 कोटी टंकार सहायता आगुआ घोषणा कर सारी व्यतीत आउ कौन क्षय क्षति घटी आउ अधिक सहायता दरकार कि से नहीं आज निजे प्रधानमंत्री आसुचंती समीक्षा करेंगे और जदि आम आउ शेड्यूल ऊपर नजर पकाइबा 12:00 अर्थात 12:10 से सीधासलख 12:15 से सीधासलख बाहरी जिबे जो बात्या प्रभावित अंचल गुड़िक रही विशेषकर भद्रक बालेश्वर यही दुईट जिला जेहेतु अधिक प्रभावित होती बालेश्वर जिले में जेहेतु यसर लैंडफल होता तेणु से अधिक क्षय क्षति घटी से ही अंचल गुड़िक सी एरियल सर्वे करेंगे अर्थात आकाशमार्गर परिदर्शन करेंगे से अंचल गुड़िक संपूर्ण भाव देख परे से बाहरी जिबे प्रधानमंत्री पूर्व मेदिनीपुर बाहरी जिबे एवं सेठारे मध्य जेहेतु पश्चिमबंग मध्य प्रभावित होइछि सेठारे मध्य प्रदर्शन करिबे तेणु विशेष करी आमे जदि नजर पकाइबा पूर्वरु जेतेबेले फनी बात्या होइथला विशेष भाव खोर्धा पुरी एवं कटक जिला प्रभावित होइथला से अंचल गुड़िकर जो से अंचल गुड़िक पई मध्य प्रधानमंत्री बा केन्द्र सरकार आगुरु अनेक सहायता घोषणा कर सारी पाखापाखी 4,000 कोटी टंकारु ऊर्धर सहायता घोषणा कर सारी फान पाई मध्य अनेक सहायता घोषणा करछंती पाखापाखी 1,000 कोटी टंकार सहायता घोषणा करछंती तेणु एबे भी मध्य ओडिशावासींकर जते बेले भी जेकोनोसी असुविधा होइताय ताहा बन्या हो बात्या हो बा ई कोविड महामारी हो सबु क्षेत्र पई बा सबु क्षेत्र पई केंद्र सरकार सहायता हाथ बढाई थांते प्रदित्त एठे सबु बेले आमे देखिछु जते बेले ओडिशा प्रति जते बेले दुर्विपाक आसीथाय विशेष करी राज्य सरकार को कहिबा पूर्वरु केन्द्र सरकार को पक्षरु सहायता राशि घोषणा करा जायथाय किंतु आज गोटे बड़ प्रश्न आसुछि जते बेले बात्या आसुछि सरकार तो कहउछन्ती जे समस्तक मुंड उपरे पक्का घर अछि जदि समस्तक मुंड उपरे पक्का घर अछि बा फोनी अम्फान ए सबु प्रति जदि पैसा दिया जायछि टंका दिया जायछि जदि सठिक दिगरे लागिछि तबे आज ए इयर्स रे काहे के 7 लाख लोकक स्थानांतर करागला निश्चित भाव रे एटा तो सबुठ बड़ प्रश्न एवं यही प्रश्नर उत्तर आज जाए ना लोक मान मिली ना कौन सी विरोधी दल को मिली ना निजे केंद्र सरकार ए प्रश्नर उत्तर पाई कारण जिते बेले भी फनी बात्या आम्फान बात्या पूर्वर जेकोसी विपर्य न हो पूर्वर अनेक संख्यार जो पक्का घर केन्द्र सरकार पक्षर ओडिशा को आसी प्रधानमंत्री आवास योजना आसी किंतु एटी जदि आम ग्राउंड को जाकोसी बात्या प्रभावित अंचल को जाती जमीक आम प्रतिनिधि मैंने देखते बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा अंचल चित्र देखते बात्या समय बात्या पर दुर्दशा देखते सेत स्पष्ट चित्र देखी थे अनेक लोक एमती अच्छा लक्ष लक्ष लोक अच्छा जो मैंने कि योग्य हिताधिकारी कितु से ना प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का घर मिली ना विजु पक्का घर योजन जो पक्का घर मिली तेणु ये प्रथम रु ही प्रश्न उठू आम यही प्रश्न बारंबार उठाऊ बात्या समय उठाइलु बात्या पूर्व उठ उठाऊ जो पक्का घर गुड़िक केन्द्र सरकार पक्षर आसूँ और जो अर्थ आसूँ राज्यवासी हितपाई राज्यवासी मुंडे छात पाई जो अर्थ आसूँ से अर्थ जाऊँगी कड़े प्रकृत हिताधिकारी तो से ही चाड़ घर रोचे प्रत वर्ष से बनिया बात्यार सम्मुखीन होती धनजीवन हानि होनी सहायता राशि घोषणा कराउंड जीरो स्थित कौन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कौन फोनी सहायता जो मैंने रही मिलनी आए रही अर्थात किसी समय पर प्रधानमंत्री आज आँचे पहुंचा पर कौन सहायता घोषणा कर सारा ओडिशा सिंकर मध्य नजर रहइबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपनकर तमाम सूचना पाई। टीकाकरण सुव्यवस्थित करने राज्य सरकार आह्वान करितबा ग्लोबल टेंडर आज खोलिबो
प्रथम दिन 11 टेक्निकल विट खोल परे परे फाइनेंशियल विट खोल 5 बेलू राज्य सरकार को क्यों क्यों कंपनी टीका जोगाइबे ताहा स्पष्ट हेबो। पूर्व राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर आह्वान करथिले, अधिक कंपनी को आकृष्ट करिबा टेंडर सर्तरे परिवर्तन आनीथिले। तबे 18 रो 44 वर्ष प्राय 2 कोटी लोकों को मागणा टीका देबा पई घोषणा करिछंती राज्य सरकार। इन अधिक सूचना पई हम सहित जोडे रहिछंती हम प्रतिनिधि दिव्य ज्योति महांती। दिव्य, आम देखीछ किभली टीकाकरण को सुव्यवस्थित हो राज्य सरकार पक्षर तमाम दिगरे आलोचना करनी अधिक अपडेट कौन आसू। देखु माधुरी, निश्चित भाव अनेक राज्य मागणा टीका देवाई घोषणा कर सारापर पखापाखि 17 रु 18 गोटी राज्य मागणा टीका देवाई घोषणा कर सारापर राज्य सरकार घोषणा करते जे ओडिशार जो 18 रु 44 वर्ष टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हो ताकु मागणा करा राज्य सरकार किछ दिन तले ग्लोबल टेंडर आह्वान करते ग्लोबल टेंडर पर कमिटी फॉर्मेशन कराइला गोटे मैनेजमेंट कमिटी गोटे टेक्निकल कमिटी और जो कमिटी क्यों टीका कंपनी क्यों मैंने ओडिशा सरकार को टीका जोगाइबे से माने केते आग्रह अछन्ते तांकु किभले आग्रह करिवे से दिगरे कार्य करिया निर्देश दियाइतला। परवर्ती समय जेतेबले जानछन्ते टेंडर प्रक्रिया आह्वान करागला, टेंडर प्रक्रिया को वर्तमान खोला जीवा को आज धार्य होइछि समय दिन 11 बेले टेक्निकल जो बिट रहिछि ताकु खोला जीवो, परवर्ती समय फाइनेंशियल बिट को खोला जीवो एवं क्यों मैंने राज्य सरकार टीका जोगाइबे ताहा संध्या 5 सुधा स्पष्ट हो जे राज्य सरकार को क्यों क्यों कंपनी टीका जोगे कारण आप जानते भारत 2 कंपनी छाड़देले बाकी अन्य जो कंपनी मैंने यही प्रक्रिया भाग नहीं समस्त नजर रही जमीक फाइजर हो आस्ट्राजेनिका हो यही जो तमाम कंपनी मैंने रही से टेंडर प्रक्रिया भाग नहीं समस्त नजर रही प्रकृत में केते कंपनी टेंडर प्रक्रिया भाग नहीं 5 सुधा जमापड़ जदि आप देखिए किसी दिन तले राज्य सरकार अधिकरु अधिक कंपनी किभ आकृष्ट हो पारे ओडिशा रे टीका जोगाइबाई से माने मनोनिवेश करेंगे मन बढ़ाए से टेंडर प्रक्रिया रे जो शर्त रही शर्त को परिवर्तन करते कैबिनेट आप्रूव कराइले तो निश्चित भाव समस्त लक्ष्य रही राज्य सरकार जो टीकाकरण को सुबंदोबस्त करने जो पंथा अवलम्बन करते दूर सफल होते कंपनी बर्तमान आसा को टीका जोगाइबाई ए टीकाकरण केते सुबंदोबस्त हो पार नजर रही निश्चित भाव में कारण 18 रु 44 वर्ष वयस्क व्यक्ति जो मैंने रही पाखापाखि 2 कोटी लोक राज्य में टीका नापी अपेक्षा करते विशेषकर यह समय अव्यवस्था देखाई अनेक जगह टीका मिलून अभोग रही आज पर्यंत अनेक जगह एपर्यंत टीकाकरण आरंभ हो पारे जो 18 रु 44 वर्ष टीकाकरण एपर्यंत आरंभ हो पारे एभली अभोग रही तो बर्तमान केते सुबंदोबस्त हो पार्टी और केते कंपनी टीकाकरण प्रक्रिय अर्थात ग्लोबल टेंडर प्रक्रिय भाग नौपर सब नजर रही माधुरी निहाते हैं ग्लोबल टेंडर उत्तेज कंपनी भाग नौता तो समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आप तमाम सूचना। कमुचे टेस्टिंग कमुचे संक्रमितों संख्या राज्य में आज 7216 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होते कटकु सर्वाधिक 1091 आक्रांत चिन्हट होते से खोर्धार 809 केन्द्रापड़ 487 ढेंकानाल 428 व अनुगुल 409 केस सामना को आसी वर्तमान राज्य में मोट आक्टिव केस 1,20,072 में पहुंची। आज राज्य में पुणी 33 जीवन नहीं करोना यहको मिसाई ओडिशा रे मोट करोना जनित मृत्यु संख्या 2,651 में पहुंची। राज्य में कमुचे टेस्टिंग कमुचे संक्रमितों संख्या लगातार 10,000 ट्रेंडर ब्रेक लगी गत काली 6,000 संक्रमित चिन्हट होता बेले आज 7,000 संक्रमित चिन्हट होती आज कटकु सर्वाधिक 1,091 करोना आक्रांत चिन्हट होते विशेषकर जितेबाला कटकर स्थान तृतीय नंबर व चतुर्थ नंबर होता किंतु कटकु आज सर्वाधिक रोगी चिन्हट होती अंपटे खोर्धार 809 करोना आक्रांत चिन्हट होते सेपरी सुंदरगढ़ आज संक्रमित संख्या बेस कम रही अंपटे केन्द्रापड़ 487 ढेंकानाल 428 और अनुगुल 409 केस रही किंतु गोटे बड़ कथा आसुची जे जदियो संक्रमितों संख्या कम रोचे किंतु मृतकों संख्या ढेर अधिक रोचे जो थे कि 20 भितर रोला कोरोना मृत्यु संख्या किंतु गत काली आसी 34 जनक जीवन नहीं आज पुणी 33 जीवन नहीं महामारी
ଏହାରି ଭିତରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଠାରେ କମୁଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କମ ଆସୁଛି। राज्य गत 24 घंटे 7216 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। कटक्रु सर्वाधिक आज कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। सीधासल कटक्रु आम प्रतिनिधि इमरान खान आम सहित जोड़ रही। इमरान, कटक्रु आज सर्वाधिक कोरोना आक्रांत चिन्हट होती, पाखापाखि 1000 टी। देखो माधुरी, जो भाव में जानते वर्तमान कोरोना संक्रमित संख्या बढ़िवार लगी दुई दिन अर्थात गतकाली और पूर्व दिन जेहतु बात्या प्रभाव से विभिन्न जगार टेस्टिंग कमी जा टेस्टिंग सेंटर बंद था और टेस्टिंग कम हो जो संक्रमित संख्या कम आसाला कितु आज जेहतु हठात बढ़ीगला और सर्वाधिक रही कटक जिला 1091 जन संक्रमित कटक जिलार समुदाय चिन्हट होती। जो भाव में जानते वर्तमान कोरोना संक्रमित संख्या सब अधिक ग्रामांचल बाहूँ और जेहतु ग्रामांचल मुहां हो संक्रमण और सेठी जेहतु वर्तमान प्रशासन पर सरकार पर चिंतार कारण पलटी कमी कि भाव में टेस्टिंग संख्या वृद्धि डोर टू डोर कमी सर्वे कर जो मैंने संक्रमित चिन्हट होती किपर भाव में क्वारंटाइन रखा अर्थात जो मैंने गुरुतर थे मेडिकल किभर भाव में नहीं वर्तमान सरकार सब बड़ चैलेंज रही। अंपटे टीकाकरण व्यवस्था तो यह सब व्यवस्था को जब देखिए आप तो वर्तमान कोरोना गोटे प्रकार प्रशासन पर चैलेंज पलटी और जेहतु मे मस या पूर्व विशेषज्ञ मैंने जहाँ कहते जे मे मस 15 पर कोरोना पिक को जीव और से संक्रमण संक्रमित संख्या कम कितु जदि आप देखिए मे मसू लॉकडाउन राज्य में लागू होती 14 दिन प्रथम लागू होगा पुणी 14 दिन लागू होती तो लॉकडाउन भितर जदि आप देखिए संक्रमित संख्या से समान 10,000-12,000 संक्रमित चिन्हट होते कि गत दुई दिन जेहतु बात्या यास प्रभाव थी से टेस्टिंग संख्या कमी जाता से 6,000-7,000 भितर संक्रमित संख्या समग्र संक्रमित संख्या कम रही किंतु दुई दिन लगातार हमें देखु मृतकों संख्या ठेर अधिक रही। देखो माधुरी, जदि आप देखिए मृतकों संख्या जदि आप हिसाब देखिए तेल राज्य में जेहेतु मे मस आरंभ सब अधिक मृत कर लोक मृत्युवरण करते जेहेतु या पूर्व आप जानते मृतकों संख्या 15-20 रोला कि लगा गत एक सप्ताह जो डाटा आप देखिए प्रतिदिन 25 केवे 30 संक्रमित संक्रमित मैंने मृत्युवरण करेतु मृतकों संख्या बर्तमान राज्य बढ़ुचे कितु जो करोनार जो पिक जीवार समय था से प्लाटो मोड को पिक तो जाए कि प्लाटो मोड में आम जेहतु वर्तमान कोरोना 10,000-12,000 संक्रमित संख्या भितर रही से संक्रमित संख्या जिते बड़े 10-12,000 से संक्रमित मृतकों संख्या 20 भितर रोला कि बर्तमान जदि संक्रमित संख्या 6,000-7,000 रही जेहतु टेस्टिंग कमी लगातार भाव में देखु टेस्टिंग कमी संक्रमित संख्या राज्य में कमी पाखापाखि 6,000-7,000 भितर ये ट्रेंड कौन राज्य में। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपंकर तमाम सूचना। देशरे कोरोनार द्वितीय लहर काल साजिता बेले आसी खुशी खबर। तलमुहा कोरोना मीटर 44 दिन पर प्रथम थर पर 2,00,000 कमिला दैनिक संक्रमण। गत 24 घंटे 1,86,364 जन संक्रमित चिन्हट होते सेपटे 3,660 जन मृत रही कोरोना। देश में मोट संक्रमित संख्या 2,75,55,457 पहुंचुची। सेपरी 2,48,93,410 जन कोरोना रे आक्रांत थिबा सुस्थ होइछते। एजाबत मोट 3,18,895 जन कोरोना रे प्राण हराइछते। देश एबे कोविड महामारी रो लहर सहित संक्रमित सह लड़ुछि। तबे संक्रमण रोकिबा पई अम्लजान जोगाण ओ टीकाकरण को गुरुत्व दिया जाउछे। विभिन्न हॉस्पिटल रे शय्या संख्या ओ आईसीयू बेड रो संख्या वृद्धि निमित्ते केन्द्र सरकार को पक्षरु विभिन्न पदक्षेप लिया जाइछे। महानदी जल विवाद मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आलोचना पाई छत्तीसगढ़ को चिट्ठी लिखिला ओडिशा। कोरोना महामारी महानदी जल विवाद शुणाणी उपरे रोक लगी। कोरोना कटकणा जो गत एप्रिल मास 10 तारीख दिन महानदी ट्रिब्युनाल मामलार शुणाणी को स्थगित रखिथिले। विवाद प्रसंगे ओडिशा पक्षर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया कथबार्ता करने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखाई। ट्रिब्युनाल परामर्श क्रमे अंतरीण व्यवस्थापी विचार विमर्श प्रक्रिया को खूब शीघ्र त्वरान्वित उद्देश्य यह पदक्षेप निया सूत्र जमापड़ी। अंतरण व्यवस्था को नहीं दुई राज्य मध्य कौन प्रकार विचार विमर्श हो पारिना
तेणु अतिशीघ्र बैठक करने ओडिशा पक्षर छत्तीसगढ़ को अनुरोध कर जनापड़ी उभय राज्य मध्य बुझापणापी अधिक समय लगे पूर्व छत्तीसगढ़ पक्ष ट्रिब्युनाल को अवगत कर बायुबल सुरक्षा मध्य रथखला आगे चली विश्व नियंता रथ निर्माण कार्य महाराणा भोई रूपकार और कुमार सेवकों समन्वय तीन रथर निर्माण कार्य द्रुत गति से आगे चली पवित्र नृसिंह चतुर्दशी रूपकार सेवायत मान गुज अनुकूल करने कोण गुजरे सिंह बराल खोदे करुंट अंपटे समस्त 42 गोटी तुंभरे बिंध कम जारी रही बेले प्राय 20 ऊर्ध तुंभरे 16 जोड़ा लेखाएं अर्थात 32 बिंध कम शेष हो भोई सेवायत मान श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें जनता गढ़ खोली आज तीन रथर दुईट तुंभरे सिंघड़ा बाड़िया अनुकूल कर इन अधिक सूचना पाई आम सहित पूरी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़े रही आलोक रथखला बेस चलचंचल वर्तमान अपडेट जानवाक चाहबू निहाति भाव में माधुरी रथखला संपूर्ण रूपे चलचंचल हो पड़ी रथ संहिता मुताबक परंपरा मुताबक विश्व नियंता तीन रथर निर्माण कार्य जोरसोर आगे चलिए आप जानते समग्र रथखला को बायो बबुल व्यवस्था जारी कर सुरक्षा बलय मध्य महाराणा सेवायत मैंने भू सेवायत मैंने महाप्रभु रथ निर्माण कार्य जारी कर सीधासल दृश्य देखा चाहिए जेहेतु आज जनता गाड़े सिंगड़ा बाड़िया अनुकूल रही सिंगड़ा बाड़िया गोटे स्वतंत्र परंपरा रही रथ संहिता मुताबक आप जानते जो तुंभ रही जो 42 गोटी तुंभ माधुरी आवश्यक होता है प्राथमिक पर्यायर 42 गोटी चक 42 गोटी तुंभर आवश्यक होता है से 42 गोटी तुंभर प्रायतः 20 तुंभर कार्य कहीपर 42 गोटी तुंभर समग्र 42 गोटी तुंभर कार्य सरी 20 ऊर्ध तुंभर बिंध बर्तमान अनुकूल सरी बिंध बाड़िया सरी से ही बिंधर आज अर संजोग बिंधर अर संजोग सीधासल चक जो प्रस्तुत चलने कथा से प्रस्तुत चलती जहाँ को कहती माधुरी सिंगड़ा बाड़िया आप सीधासल दृश्य देखुन जी रही भोई सर्दार तीन रथर भोई सर्दार जी रही रवि भोई सी बर्तमान तुंभरे अर संजोग करने सिंगड़ा बाड़ तो निश्चित भाव में प्राथमिक पर्यायर नंदीघोष रथपाई दुईट लेखाए तुंभरे अर संजोग सीधासल भिडियोग्राफर को कह देखा सीधासल दृश्य जो दुईट देखुं आपड़ माधुरी तुंभरे अर संजोग ये हूँ नंदीघोष रथर दुईट लेखाए तुंभ कारण आज जहाँ अनुकूल रही प्रति रथपाई दुईट लेखाए तुंभ को आज अनुकूल अर्थात प्रति रथर दुईट लेखाए तुंभ सह अर संजोग जहाँ को सिंगड़ा बाड़िया कहते देखुं दुईट तुंभ नंदीघोष रथपाई सीधासल प्रस्तुत हो जाए तुंभर अर संजोग बर्तमान बलभद्र रथपाई चली सुभद्रा रथपाई चली सीधासल दृश्य देखुं सुभद्रा माँ सुभद्रा रथपाई बर्तमान अर संजोग चली तुंभर अर संजोग चलती सिंगड़ा बाड़िया चलती तो निश्चित भाव रथकला माधुरी संपूर्ण रूपे चलचंचल हो पड़ी भोई सेवायत मैंने श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें जनता गाड़ खोल से ही जनता गाड़े बर्तमान सिंगड़ा बाड़िया कार्यक्रम चलती तो निश्चित भाव में गोटे पटे जनता गाड़े सिंगड़ा बाड़िया कार्यक्रम चलती अंपटे रथ मध्य महाराणा सेवायत मैंने जो 42 गोटी तुंभ रही से 42 गोटी तुंभरे बिंध कार्य जारी रखी आप सीधासल दृश्य मुझे दर्शक मान माधुरी देखे चाहिए जेहतु गोटे पटे आप देखिए जनता गढ़े तुंभ सह अर संजोग कर सिंगड़ा बाड़िया चलती और अंपटे संपूर्ण रथकल को आज देखुं आच्छादित कर धड़ा कपड़ा मध्यम संपूर्ण रथकल को आच्छादित कर जो महाराणा सेवायत मैंने भोई सेवायत मैंने अच्छा से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करणसी लोक मैंने जिभली भाव से रथकला भितर प्रवेश न करेंगे ताप विशेषकर ध्यान दी जाइए पवित्र नृसिंह चतुर्दशी आप जानते रूपकार सेवायत मैंने कोणगुज अनुकूल करणगुजर सिंह विराल कार्य खोदे जारी रही तो निश्चित भाव में माधुरी रथकला संपूर्ण रूप चलचंचल हो पड़ी कितु गोटे खुशी खबर माधुरी रथकला बर्तमान दुई दिन हम कौन रथ निर्माण सह संपुक्त कौन से सेवायत कोरोना पजिट बाहरी ना दुई दिन पूर्व जहाँ मुख्य प्रशासक आमको सूचना देते श्रीमंदिर प्रशासन तरफ माधुरी आमको जहाँ सूचना आँचुला समुदाय 26 जन सेवक जो मैंने रथ निर्माण में संपुक्त रही कोरोना पजिट बाहर से नीलाचल भक्त निवास चिकित्सित आगे चली रथ निर्माण कार्य बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपंकर तमाम सूचना पाई आसिया परवर्ती खबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा एवं पश्चिमबंग गस्त आकाशमार्ग बात्या प्रभावित अंचल अनुधान करेंगे प्रधानमंत्री साइक्लोन परवर्ती क्षयति नहीं करेंगे आकलन प्रथम प्रधानमंत्री भुवनेश्वर अवतरण करने एक समीक्षा बैठक करेंगे तापर से आकाशमार्ग में बालेश्वर भद्रक और पूर्व मेदिनीपुर बात्या प्रभावित अंचलगुड़िक बुले देखिए
बात्या प्रभावित अंचल बुली सारिबा परे प्रधानमंत्री पश्चिमबंगरे समीक्षा बैठक में अंशग्रहण करिबे बोली सूचना मिली। प्रधानमंत्री सह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गस्त करने सूचना रही। अन्यपटे शुक्रवार ओडिशा और पश्चिमबंग गस्त पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यश्र क्षयति नहीं समीक्षा करते बात्या प्रभावित अंचल किभली शीघ्र साधारण जीवन यात्रा स्वाभाविक हेब से नहीं त्वरित काम करने को कहते प्रधानमंत्री। ओडिशा और पश्चिमबंगे एनडीआरएफ्र 106 टीम मुतयन पर पुनरुद्धार काम लगी प्रधानमंत्री। इन अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र जोड़े रही। प्रदीप्त आपण आउ किछि समय पूर्व आपको देखाउथिले विमान बंदर निकट आपण अछंति आउ किछि समय अपेक्षा आउ किछि समय पर प्रधानमंत्री आसी पहुँचे ओडिशा रे प्रस्तुति सेठारे किभली रही सुरक्षा व्यवस्था किभली रही। आउ किछि समय पर ओडिशा रे आसी पहुँचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसवर जहाँ कार्यक्रम रही। तेज बात्या प्रभावित अंचल किभली शीघ्र साधारण जीवन यात्रा स्वाभाविक हेब से नहीं त्वरित काम करने को कहते प्रधानमंत्री। अंपटे प्रधानमंत्री पहुंचा पर प्रथम समीक्षा बैठक रही अर्थात प्रभावित अंचल बुले देखार कार्यक्रम रही विशेषकर बालेश्वर और भद्रक बुले सारापर पश्चिमबंगे समीक्षा बैठक में अंशग्रहण करने सूचना मिली। आ किसी समय अपेक्षा आ किसी समय पर प्रथम प्रधानमंत्री भुवनेश्वर अवतरण करने एक समीक्षा बैठक करेंगे जहाँ पूर्व सूचना देखते आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र जे पाखापाखि गोटे घंटार बैठक रही अर्थात गोटे घंटार बैठक पर आलोचना करा निष्कर्ष रहीशावासी नजर रम सहित जोड़े रही प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र। प्रदीप्त आ किसी समय पूर्व आप लगातार आम सहित जोड़े रही आप किसी समय पूर्व सूचना देते कि जाना चाहिए आ किसी समय अपेक्षा रही आ किसी समय पर प्रधानमंत्री आसी पहुँचे सुरक्षा व्यवस्था किभली कर निश्चित भाव में माधुरी जेहेतु देशर प्रधानमंत्री आसपा सुरक्षा व्यवस्था को संपूर्ण कड़ाकड़ी अर्थात संपूर्ण एयरपोर्ट चतुर्पार्श्व को सुरक्षा बलय परिणत करजे डीजीए ठार उपस्थित अच्छा एडीजी एक समय पूर्व आसिक पहुँचले मुख्य शासन सचिव पहुँची सारे और 10:40 निजे मुख्यमंत्री आसिकी पहुँचे और 10:50 जो प्रधानमंत्री एठार आसी पहुँचे स्वागत करे आउ मात्र 20-22 मिनिट्र अपेक्षा प्रधानमंत्री विमान आसी एटी अवतरण कर भुवनेश्वर विमानबंदर में आपड़ जो सुरक्षा व्यवस्था कथा कहते मो कैमेरा पर्सन प्रशांत अच्छा जे किपरी भावे सुरक्षा व्यवस्था ठीक कड़ाकड़ी कराई देखिपे एयरपोर्ट रो प्रवेश पथ रही अर्थात डिपार्चर टू गेट जो रही चित्र देखिपे यही चित्र अनुमान करते सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कराई समस्त उच्चपदस्थ अधिकारी एठार अच्छा पुलिस विभाग एवं सूचना लोक संपर्क विभाग अच्छा ता सहित जो एसआरसी जो स्तर अधिकारी अच्छा एवं अनेक सचिव अच्छा संपूर्ण जोठ एयरपोर्टर एंट्री पॉइंट रही अर्थात जो जो पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक जो प्रतिमूर्ति रही अर्थात एयरपोर्ट गोले जो रही सेठर आरंभ करके एयरपोर्ट ट्राफिक रु वर्तमान पूरा एयरपोर्ट जो रही एयरपोर्ट पर्यंत संपूर्ण अंचल को पुलिस छावनी में परिणत कराई सबुआड़े पुलिस मुतयन रही टेक्निक नजर रखा जे किए एयरपोर्ट भितर को प्रवेश करोने एयरपोर्ट रू जा विशेष भाव में जेहेतु गणमाध्यम को भी केवल एयरपोर्ट बाहर अर्थात जो प्रवेश पथ रही निकट में रही अनुमति मिली भितर को जीवाई वर्तमान सुधा अनुमति मिली ना विशेष भाव में जितेबाद प्रधानमंत्री पहुँचे आप कहते घंटाटे गोटे घंटार मीटिंग रही अर्थात समीक्षा बैठक रही समीक्षा बैठक में ही सबू कथा पचारि बुझे निजे प्रधानमंत्री पचारि बुझे जे किपर भावे जे बात्या आसला जो क्षयति घटी ता बाबद
कौन सब सहायता दरकार के परिमाण में अर्थ दे लोक मानते सब सुविधा पहुँची पार एवं वर्तमान किभली भाव लोक मान स्थित रही अंचल पा पशि के गाँ जलबंदी हो रही निष्कासित है बर्तमान जेहेतु वर्षा अधिक परिमाण में होती तेणु क्यों नदी में बनार स्थित उपजी से किपर भाव स्थानातर कर कि नहीं जो मैंने बना प्रभावित होवार संभावना रही क्योंकि घाई होवार संभावना रही सेगुड़ी विषय में पचार बुझे और आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे चाहिए निजे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री सहित आसुंच सी बैठक में जोगदे एरियल सर्भे जितेबाला घंटाटे बैठक सर तापर प्रधानमंत्री सीधासल एरियल सर्भे व आकाशमार्ग रु परिदर्शन बाहरी जी बारटा पाँच रु पाखापाखि दुईटा पंदर जाए एरियल सर्वे रहिबो प्रथमे भद्रक जिला तापरे बालेश्वर जिला दुईटी जिला को परिदर्शन कला परे पूर्व मेदिनीपुर को बाहर जिबे सीधासल प्रधानमंत्री सेठारे मध्ये एरियल सर्वे करिबे एवं सेठारे एरियल सर्वे करिबा परे सेठी पश्चिमबंगरे मध्ये जो बैठक अच्छी समीक्षा बैठक रही प्रधानमंत्री सेठी मध्ये समीक्षा बैठक में जोगदेवे अर्थात संपूर्ण ओडिशा हो बा पश्चिमबंग हो जो भी जो बात्या द्वारा क्षय क्षति घटी विपर्यय घटी से अंचल गुड़िक लोक मान प्रधानमंत्री गस्त निहाती भाव में अति गुरुत्व रखुची से माने निश्चित भाव में आशावादी थे जे निजे जेहेतु प्रधानमंत्री आशावादी रही कौन घोषणा कर प्रदीप आप सहित जोड़े रही था लगातार खबर पर आम नजर रही आप नजर रखी था कि आउ गोटे कथ कह चाहिए फोनी जिते आ फोनी सहायता कथा जिते सामना को आसा फोनी विशेषकर मुझको आउ गोटे अपडेट देवाक चाहिए जे फोनी विध्वस्त ओडापी मोदी एवं प्रधानमंत्री मोदी एवं अमित शाह प्राकृतिक दुर्विपाकर चिरसहजर ओडापी ऐतिहासिक सहायता विपर्यय पूर्व केवे केन्द्र ओडा को आर्थिक सहायता दे ना फोनी बात्यार अव्यवहित पूर्व 340 कोटी टंका प्रधानमंत्री समीक्षा समय 1000 कोटी एवं चूड़ांत सहायता पर पखापाखि 3338.22 कोटी टंका मोट्रे 4678.22 कोटी टंका मिलता तो प्रदीप तो पुणि थे मुझे निकट को फेर को चाहिए फोनी किभली विध्वस्त कर ध्वंस विध्वस्त करा को आम से चित्र देखी फोनी में किभली सहायता करागला केन्द्र सरकार पक्षर किभली सहायता घोषणा कर ये हुए तो बोधे ओडिशार ये हुए तो बोधे प्रथम थर बोलीपर कि आज जिते आसुंच सारा ओडावासी नजर रे कौन घोषणा करेतु समीक्षा बैठक रही कि समय पर आसी पहुँचे तो विशेष भाव में प्रदीप मुझे निकट को पुणि थे फेर को चाहिए प्रदीप समस्त नजर रही किसी समय पर आसी पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्र मंत्री उपस्थित रहिबे पूरा सारा ओडावासी आज नजर रही कौन निष्कर्ष बाहूापी पुणि थे कौन बड़ आकार में सहायता घोषणा कर निश्चित भाव में माधुरी आप जो कथा कहले और जो तथ्य मध्य दूसरे ता संपूर्ण भाव सठिक तथ्य जे कौन केन्द्र अन्य जेकोसी दलर सरकार जितेबाला आसी कौन सरकार केबे भी आगुआ सहायता घोषणा करना जहाँ कहते जे जितेबाला बात्या फनी पूरी भद्रक क्षमा करिवे पुरी खोर्धा एवं कटक जिला को संपूर्ण भाव विध्वस्त कर से ता पूर्वरु अर्थात आगुआ सहायता केंद्र सरकार को पक्षर दिया जाइथिला एवं ता सहित जहाँ कहले गत वर्ष जो अम्फान आसी हुए तो पश्चिमबंग रे तार अधिक प्रभाव पड़ा किंतु ओडिशा रे मध्य अनेक मात्रा क्षय क्षति घटाई बात्या अम्फान तेणु से समय रे मध्य केंद्र सरकार को पक्षर जथेष्ट सहायता दि जाइला अर्थात जमी सबू जो मैंने भी क्षतिग्रस्त होते समस्त को सहायता पहुँची पार समस्त जथेष परिमाण में जो क्षति घटी ता जीवन क्षति होकोसी धन बा घर आसपत्र क्षति हो सहायता पहुँची पार से केन्द्र सरकार सब बेले आग को आसी था सहायता हाथ बढ़ई था विशेष भाव में आम जो नजर पकाइबा एवं आगुआ सहायता दि जाइए अर्थात बात्या आस आसबार अव्यवहित पूर्व अर्थात मे मस प्रथम सप्ताह रू ही पाखापाखि 600
600 कोटी टंकार ऊर्धर सहायता आगुआ दि जाइए अर्थात एसडीआरएफ फंड को दि जाइए जो आप फनी कथा कहते हैं एनडीआरएफ फंड को फंड रु पैसा दिहला एसडीआरएफ फंड रु पैसा दिहला विशेष भाव में जो यही कि आगुरी आम जी नजर पक जो तथ्य उपर केन्द्र सरकार पक्षर पाखापाखि 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजन पक्का घर आसी अर्थात से ही पक्का घर गुड़िक जी जो मान चाल घर थी अर्थात जो मानक से जो जो मान पर्यंत सामिल कर प्रधानमंत्री आवास योजन से मूँगी से 8 लाख पक्का घर निहाती भाव अनेक मात्र सहायक हम और राज्य सरकार से जो बोझ रही आर्थिक बोझ रही जेहेतु बर्तमान महामारी कोरोना रही सहित एत बड़ बात्याशा सम्मुखीन होते बड़ बात्यार तेणु निहाती भाव आर्थिक बोझ कम तेणु एवे आहरी जेहेतु निजे प्रधानमंत्री आसुचार समीक्षा करेंगे केते क्षय क्षति हो रिपोर्ट राज्य सरकार प्रधानमंत्री को प्रदान करेंगे तेणु निश्चित भाव में आम आशा करवा केन्द्र सरकार पक्षर जथेष परिमाण सहायता ओडिशा को मिलार क्षतिग्रस्त जिला जो गुड़िक रही भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज विशेष भाव में केन्द्रापड़ा यही जिला गुड़िकर जिलावासी को निश्चित भाव में केन्द्र सरकार सहायतार संपूर्ण जो राशि मिल पार बोली आम आशा करवा तेज देखिपे बर्तमान चलचंचल हो उठला जो एयरपोर्ट परिसर कारण आउ मात्र अल्प समय अपेक्षा बर्तमान जदि आम समय कथा कह 10:38 समय अर्थात आउ मात्र 12 मिनिट्र अपेक्षा 12 मिनिट पर प्रधानमंत्री स्वतंत्र विमान इंडियान एयरफोर्स विमान आसिक पहुँचबार से सीधासलख बैठक में जोगदे समीक्षा बैठक चलो पखापाखि घंटाटे परवर्त समय से स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जगे जो एरियल सर्वे बाहरी जिबे भद्रक बालेश्वर एरियल सर्वे सरपर से पूर्व मेदिनीपुर अर्थात पश्चिम बंग गस्तर बाहरी जिबे विशेष भाव में जेहेतु आम नजर पकेबा जदि एबे भी अनेक अंचल अनेक गाँ रही पश्चिम ओडिशा विशेष भाव भद्रक और बालेश्वर जुआर पा जो गाँव गुड़ी पशी जाता से गाँव गुड़िकबी जलबंदी अवस्था से मैंने अच्छा कारण जो जुआर पा एपर्त खसी ना विशेष भाव जो तली अंचल गुड़िक रही कारण उपर मुंडे अर्थात उत्तर ओडिशा जेहेतु बात्यार प्रभाव अधिक पड़ी तेणु उत्तर ओडिशा उपर मुंडे जेहेतु अधिक परिमाण में वर्षा होती पाखापाखि जहाँ पापाग विभाग पक्षर आकलन कराइला जे विभिन्न स्थान 200 मिलीमीटर अधिक वर्षा हे ताद वर्षा होभिन्न ब्लक तेणु बनिया बर्तमान स्थित उपजी बुढ़ाबलंग नदी कथा कह आम काणी नदी में किसी समय आगे खबर आसाला जो घाई सृष्टि बैतरणी नदी में बनिया स्थित उपजी तेणु द्वारा अनेक जो लोक क्षय क्षति क्षय क्षतिर सम्मुखीन होते तेणु यू प्रधानमंत्री आसो सहायतार घोषणा जहाँ जदि करे तेज निश्चित भाव सहायक हम से लोक मानी समय हो गला मुख्यमंत्री आसिकी पहुँचुंट बर्तमान एक किसी समय भितर पाखापाखि गोटे 2 मिनिट भितर मुख्यमंत्री आसिक पहुँचे से संपूर्ण जो एयरपोर्ट परिसर को जो रास्ता रही क्लीयर कर मुख्यमंत्री जो कारकेट आसिक पहुँचब और मुख्यमंत्री सीधासलख जी कन्फरेन्स हल क्षमा करेंगे एयरपोर्ट भितर को जी रनवे को जी से प्रधानमंत्री को स्वागत करें स्वागत संवर्धना कलापर सीधासलख पाछोटी आणवे जो कॉन्फ्रेंस हॉल रही पाछोटी आणवे सेठार सीधा उपस्थित रहिबे जे मुख्य शासन सचिव रही मुख्यमंत्री सहित सी मध्य उपस्थित रहिबे स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर उपस्थित रहिबे पुलिस डीजी अभय मध्य उपस्थित रहिबे बैठक अति गुरुत्व बहन आपण देखिपे सीधा सड़क चित्र बर्तमान मुख्यमंत्री आसिक पहुँची कारकेटर प्रथम गाड़ी आसिक पहुँची सारी जो चित्र देखुं माधुरी आप क्षमा करेंगे बर्तमान क्षमा करेंगे यह मुख्यमंत्री कारकेड नुह निश्चित भाव अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी मैंने आसिक पहुँची तेरे आउ किस समय पर आसिक पहुँच क्षमा तबे आप सीधा चित्र देखुवे जहाँ केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी आसिक पहुँची सीए प्रधानमंत्री को ये स्वागत करें सहित आलोचना करेंगे जहाँ आपदी मुझे किसी तथ्य देवाई चाहिए जे केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी बालेश्वर जिलार सांसद और जेहेतु बालेश्वर जिले में अधिक परिमाण में क्षय क्षति घटी से बालेश्वर जिला रे क्यों क्यों अंचल अधिक क्षय क्षति घटी केते घर भांगी तार सठिक हिसाब निहाती भाव में सांसद पाखे थी केन्द्र
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେହି ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି ଭାବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂରାପୂରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ସମୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ସିଧାସଳଖ ରନୱେକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ କଥା ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଆଉ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବାର ସମୟ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଚିତ୍ର। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରହିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରହିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୈଠକ ସେଠାରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିଯିବେ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇ ବାତ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭୟାବହତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏବଂ ନିଜେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ ବୈଠକ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଆସିକି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଏରିଆଲ ସର୍ଭେ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣ ପରେ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ରହିଛି, ସେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟାର ବୈଠକ ରହିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆପଣ ଲଗାତାର ଏ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପୁରା ଟିକିନିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ର ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠାରେ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଯେକୌଣସି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ହିଁ ସବୁକିଛି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଏ ଖବର ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ହେଲେ ସବୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର।